सिरसा की CDLU में आयोजित इंसो के 22वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को बिन दूल्हे की बारात करार दिया। दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें दीपेंद्र ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में JJP की एक भी सीट नहीं आएगी और कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। दीपेंद्र के इसी बयान पर पलटवार करते हुए दुष्यंत ने कहा कि कांग्रेस के सारे नेता सरकार बनाने का दावा करते हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा ये फाइनल नहीं कर पा रहे। इस तरह से अभी तो संगठन का विस्तार है, पिछली बार भी हमने 90 में से 47 युवा उतारे थे, इस बार लोकसभा में 10 में से 5 युवा उतारे, तो मुझे लगता है युवा सरकार प्रदेश में बने इसके लिए युवाओं की नेतृत्वता और युवाओं का साझेदारी बहुत ज्यादा। दीपेंद्र हुड्डा का बयान है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और JJP का खाता भी। पहले वो तुमसे ये तो पूछ लो किसके चेहरे पे लड़ोगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी ये तो सारे कांग्रेसी कह देते हैं, चेहरा कौन होगा ये तय नहीं कर पाते। बिना दूल्हे के बारात ले जाओगे तो बारात पहुँचेगी। बता दें कि JJP ने आज ही इंसो के स्थापना दिवस पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए अपना बिगुल बजा दिया है। दुष्यंत ने अपने संबोधन में जहां कई वादे और घोषणाएं की, वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए दुष्यंत ने विधानसभा चुनाव के मैदान में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उतारने की बात कही और इसी दौरान दुष्यंत ने भाजपा और कांग्रेस को भी जमकर खरी खरी सुनाई। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।